टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा और मैं रेगुलरली सेक्सुअल सीरीज के वीडियोस बना रहा हूं। ये उसी सीरीज का 29th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, आपके सेक्स लाइफ में बहुत मददगार साबित होंगे। और इसके बाद के वीडियोस को भी कभी मिस मत कीजिएगा, नए वीडियोस मंडे, थर्सडे और सैटरडे को आते हैं रात को 9 बजे। चलिए अब हम समझेंगे कि अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल तरीके अपने आप बढ़ा सकें। पहली फैट होता है आपके पेट के आसपास का जो फैट होता है वो ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है, और ईस्ट्रोजन आपके दिमाग को जो फीडबैक करता है उससे दिमाग आपकी बॉडी को कमांड देता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर दो। सो हमें अपने बेली फैट को रिड्यूस करना होगा। आपको इसके लिए एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग जो आप करना चाहते हैं किसी अच्छे एक्सपर्ट की ओपिनियन ले के उनकी सुपरविजन में कीजिए इस बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। आपको रूटीन जो वेट ट्रेनिंग करनी है वो कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा कीजिए, और बीच बीच में इंटरवल्स के साथ साथ आप इंटेंस वेट ट्रेनिंग भी ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। इसके साथ साथ कई लोग क्या होता है कि जिसको कहते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म्स एंड्योरेंस लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेज या वेट ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन मैं आपको बता देता हूँ कि वो ड्रॉप हो सकता होता है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे जाते हैं अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ाने के लिए तो उस टाइम पे आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, और जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो आपका ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लग जाता है, अफेक्ट होने लग जाता है। अपनी नींद को साउंड स्लीप लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर चाहिए। और अगर आपको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस रहता है, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, मैंने इसी चैनल पे पहले एक वीडियो बनाया था, इसी सीरीज़ का वीडियो है कि आप बेहतर नींद कैसे लेंगे, एक वीडियो है कि आप स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर आपने वो वीडियोस मिस किए तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, वो आपको बेहतर नींद के लिए हेल्प करेगा और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को नेगेटिवली इम्पैक्ट डेफिनेटली करता होता है। उसके साथ साथ जो शुगर वाले फूड्स होते हैं और जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या पाम ऑयल वाले फूड्स होते हैं, इन फूड्स को आप जितना हो सके कम करो, या मैं तो ये कहूँगा बंद कर सकते हो तो बंद करो, क्योंकि इन फूड्स को रिड्यूस करने से आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी वो रिड्यूस होने लगी, और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसके साथ साथ जो लोगों को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें तो मैं कर लूँगा, अब और भी कोई चीज़ बता दो कि फटाफट से टेस्टोस्टेरोन लेवल बड़ी अच्छे तरीके बढ़ना शुरू हो जाए और मेरे सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी होने लग जाए और मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड भी अच्छा होने लग जाए, मेरे पीनिस में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होने लग जाए, तो उन सब लोगों के लिए ड्रिंको टैबलेट जो होती है वो बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आप ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ अगर आप ज़िंको टैबलेट को भी अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ज़िंको टैबलेट आपको दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेनी है, नॉर्मल पानी के साथ लेनी है, जो बहुत ईज़ ऑफ यूज़ के साथ आती है कि आप कभी भी आसानी से ले सकते हैं। इसको पानी के ही साथ तो लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी, खाना वाना खाने के बाद लेनी है। सो ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अगर आप ज़िंको भी ऐड कर देते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है ना तो सिर्फ सेक्स लाइफ बेहतर नहीं होती, आपका ओवरऑल एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है, आपका बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी मैस्कुलिनिटी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपका धंधा, आप जॉब, आप जहाँ भी होते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों में बहुत अच्छा बदलाव आने लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो जादू जैसी चीज है। कीप एंजॉयिंग हाई गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल विद डीप लाइफस्टाइल चेंजेस।